हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने बारबेक्यू इन अ बॉक्स मंगाया था, जो 500 समथिंग का कुछ पड़ा है मेरे को टोटल। सो ये मील बॉक्स है और मैं इसमें बताऊंगी कि मुझे एक्चुअली क्या क्या मिला है। सो जिसके पैकेजिंग थी, पैकेजिंग नॉर्मल पैकेजिंग जैसे आती है कार्डबोर्ड पैकेजिंग, उस पैकेजिंग में थी। और इसमें जो भी अंदर चीज़ें थी वो काफ़ी सिक्योर थी, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। सो अब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊँगी कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ मिला है। तो जो फर्स्ट पैकेज है वो है ये, जिसमें लिखा है डिलीशियस ग्रिल्ड सेफली पैक्ड। ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पैक था और इसमें जो थे वो स्टार्टर थे। और ये है रसगुल्ले। सो कुछ पीसेस थे तो मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। और ये था मूंग दाल का हलवा। और कुछ चटनी के पैकेट से लोग देते हैं जो कि अलग अलग करके देते हैं। सो मैं ये बता दूँ कि मैंने जब जब बारबेक्यू नेशन से ऑर्डर प्लेस करा है तो हर मैक्सिमम टाइम वो ठंडा ही डिलीवर करा है उन्हें, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्हें जो भी खाना था गर्म ऑर्डर प्लेस करा था, मतलब जो भी मेरे पास रिसीव हुआ तो गर्म था। और जो मैंने मंगाया है वो मंगाया है वेज, मैंने नॉनवेज नहीं मंगाया है क्योंकि दो बार से जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत गंदा था, तो नॉनवेज ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वेज ही मंगाया। तो इसमें तीन पार्सल्स वेज के आए थे और एक चपाती आया था या फिर रुमाली रोटी था, भूल गई मैं एक्चुअली, याद नहीं। सो जो पैकेजिंग में आप देख सकते हैं इसमें शायद रोटी या फिर रुमाली रोटी थी। सो पैक, हाँ आई थिंक रोटी या नहीं रुमाली रोटी थी, सिर्फ दो रोटी थी इसमें। और ये है दाल मखनी, वो भी बहुत अच्छे से आया था पैक होके। और इस वाले बॉक्स में था बिरयानी, वेज बिरयानी, जिसका टेस्ट भी ओके ओके था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। और ये थी पनीर की सब्जी जो कि काइंड ऑफ थोड़ी सी टाइट थी। और ये था स्टार्टर, इसमें था पनीर टिक्का और इसमें आलू की कुछ फ्राइज थे। सो एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। सो ये इस तरीके से आया था, तो मैंने सेम फिर से रख दिया। सो आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। सो कीप ऑन वॉचिंग।